आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 16 मई 2022 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशेष दर्शन करते हैं, जिनमें उष्ण काल के प्रभु श्री जी के कई सेवा क्रम हैं। वर्तमान में पड़ रही 45 डिग्री से 49 डिग्री तक की भीषण गर्मी के बीच प्रभु श्री जी के उष्णकाल के सेवा क्रम के यह दर्शन आपको अवश्य शीतलता प्रदान करेंगे। साथ ही विविध हवेलियों से पंचामृत स्नान के दर्शन भी सम्मिलित हैं। पंचामृत स्नान के दर्शन के पश्चात श्री वल्लभ निधि हवेली जुहू मुंबई से ही परधनी के श्रृंगार के भी दर्शन हैं। विशेषता यह है कि प्रभु श्री जी के मंदिर सहित पुष्टि मार्गीय हवेलियों में इस उष्णकाल में भी किस तरह का मनमोहक एवं सुरम्य वातावरण रहता है, जिनके हम दर्शन तो कर सकते हैं लेकिन महसूस तभी कर सकते हैं जब हम इन सेवाओं में सम्मिलित रहे हों। अपने अनुभवों को ताज़ा कीजिए और आनंद लीजिए प्रभु के दर्शनों का।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में ऋतु की पहली पर्धनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले पर्धनी के यह श्रृंगार नियत के श्रृंगार हैं और उष्ण काल के सबसे छोटे हल्के श्रृंगार यह माने जाते हैं। विशेषता यह है कि आज प्रथम दिन और पर्धनी धराए जाने के अंतिम दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को यही वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि उस दिन प्रभु गोवर्धन माला अपने श्रीअंगों तथा पीठिका पर धारण करते हैं। इस समय के दौरान प्रभु श्री जी को चंदन की विशेष सेवा एवं कली के श्रृंगार वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। आज के इसी भाव से श्री जी की साज सज्जा में श्वेत रंग की मलमल की बिना किनारी की पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। तीन पड़घा जी पर झारी जी बंटा जी एवं शीतल जल के कुंजा जी पधराए जाते हैं और खेल के साज पधराए जाते हैं जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी राग रंग की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं जो गोल छोर की बिना किनारी वाली पर्धनी होती है। श्री जी को वर्ष भर में धराए जाने वाले वस्त्रों में पर्धनी सबसे छोटा वस्त्र है अर्थात प्रभु न्यूनतम आवरण के साथ दर्शन देते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आवरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है जिसके तहत कंठहार बाजूबंद पोची हस्त सांखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज श्वेत रंग की छोर वाली पाग धराई जाती है जिसके ऊपर सिरपेच श्वेत खंडेला अर्थात श्वेत मोर पंख के दोहरे कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में आज प्रभु को मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। इनके साथ प्रभु को दो माला जी जिनमें से एक श्वेत पुष्पों की एवं एक कमल माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के तीन कमल की कमल छड़ी चांदी के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। अब राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में बल बल पाऊं धरिए जू राजभोग में सोहत लाल के परधनी झीनी आरती में आवरी बावरी उजरी बाग में शयन में सुंदर जमुना तीररी
पोड़वे के पद में दो करत भावती बतिया कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सत्वा तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मंगला राजभोग आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है, तो श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है, तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टिमार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Yeah।
निकस खांब बीचे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।